हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बिहार पुलिस के कट ऑफ रिजल्ट एंड आप लोगों के जो अभी तक डाउट्स आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया था, बट आपको एक ही डेट का प्रोवाइड कराया था। वीडियो की लेंथ ज़्यादा जा रही थी इसलिए मैंने प्रोवाइड नहीं कराया था। आज हम नेक्स्ट डेट में आपका जो एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट करने वाले हैं और आपके जो जो डाउट्स हैं उनका यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, रिप्लाई मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट वीडियो में दोस्तों एक मिस प्रिंट हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी आपकी डेट में, तो आप लोग इतना ज्यादा उसको माइंड में मत लिया करो। एक ह्यूमन की यही पहचान होती है गलती करना। जी हाँ दोस्तों, पढ़ना और पढ़ाना इन दोनों में बेहद ह्यूज डिफरेंस होता है। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम बोलते कुछ और है, मुंह से निकलता कुछ और है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो छोटी छोटी बातें हैं जिस चीज के लिए हम आए हैं उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि कोई और दूसरी चीजों पर। कुछ स्टूडेंट्स समझदार होते हैं तो वो ऐसी चीजों पर ज्यादा अपना माइंड ही नहीं लगाते, बट कुछ मिस्टेक्स ही ढूंढने को उतारू होते हैं तो उन्हीं लोगों का ये काम होता है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में कोरोना का माहौल चल रहा है, देश के विदेशों में पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं प्लीज उनको फॉलो करें। हाँ जी दोस्तों, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि आपका लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन टूट भी जाएगा और भी ऐसे नियम लाने वाली गवर्नमेंट लॉकडाउन के बाद भी उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों यही एक हमारे पास हथियार है जिसको हम अपनाकर इस कोरोना की जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। बाकी आप चाहें कि हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितनी कि अदर कंट्री के पास है। फॉर एग्जांपल के लिए आप अमेरिका को ले लीजिए और भी बड़े बड़े कंट्री को ले लीजिए जो पूर्णतः डेवलप है। जी दोस्तों, जब वो इस कहर को झेल नहीं पा रहे तो फिर हमारी उनके सामने इतनी ज़्यादा पोजीशन अच्छी नहीं है। दोस्तों यदि केस इंक्रीज होते हैं एक पोजीशन ऐसी आएगी कि हमारे पास बेड भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए अभी हमारे पास कंट्रोल करने का एक ही मात्र एक ओनली रास्ता है, वो है क्या, अपने आप को घर में सुरक्षित रहें, सेफ रखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जरूरी हो तभी बाहर निकलें, और जाएँ तो दोस्तों बिल्कुल साफ सफाई का मास्क वगैरह लगा के जाएँ, हर एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज को। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका बिहार पुलिस का संभावित कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपकी डेट है क्या, 8/3/2020। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस दिन का। चूंकि फ्रेंड्स आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड में, तो हम दोनों शिफ्ट का यहाँ पर देखने वाले हैं, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, एंड मेल और फीमेल का दोनों का हम देखने वाले हैं। आपकी कैटेगरी क्या है, ईआर। बाय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम कट ऑफ को डिस्कस करें, आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं, बहुत से डाउट्स आ रहे हैं, सर हमारे मार्क्स चेक करना है हमको पता नहीं चलेगा, चूंकि आपके आंसर की नहीं आती, तो आप लोग मार्क्स यदि चेक करना चाहें तो ITI के थ्रू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ITI एक्ट के थ्रू आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 10 से 20 रुपए ही लगेंगे बहुत से बहुत, और आप बड़े आराम से अपने मार्क्स चेक कर लेंगे, RTI लगा देना, आपको पता चल जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर आखिरकार ये बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का जो कट ऑफ है हाई जाएगा, कम जाएगा, कहाँ पे फॉर्म ज्यादा फिलअप हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां पर आपकी वैकेंसीज अच्छी थी और फॉर्म कम डले हैं तो जाहिर सी बात है आपका वहीं पर कट ऑफ कम जाएगा, एंड जहां पर वैकेंसीज कम थी और आपका फॉर्म ज्यादा डाला है तो वहां पर आप लोगों का कट ऑफ हाई जाने वाला है। अब आप लोगों की डिमांड आ रही है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, है ना, हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिरकार आप लोगों का जो 8/3/2020 में मेल और फीमेल ईआर कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है कि यदि आप ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके एग्जाम की डेट थी क्या 8/3/2020, तो दोस्तों यदि आपने मेल कैटेगरी से 70 से लेकर 75 के अराउंड यदि स्कोर गेन किया है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका यहां पर सेवली सिलेक्शन डन है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतना स्कोर इनाफ है, पर्याप्त है।
जी दोस्तों, यदि आपसे कोई बोल रहा है कि 80 to 85 जाएगा तो बिल्कुल 101% रॉन्ग है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार से बात कर लेते हैं सर सेकंड चैप्टर में, तो दोस्तों सेम ही रहने वाला है, चूंकि मैंने यहाँ पर डैश डैश किया है, मतलब आप लोगों का कट ऑफ यही रहने वाला है 70 से 75 के बीच, 70 आपका जो 8/3/2020 का डेट है ना। इसी प्रकार से फीमेल का भी दोस्तों, यदि आपको 51 से लेकर 55 के अराउंड आ रहा है यू आर कैटेगरी से, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन है, आप अपने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करते रहें। इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर में भी यहाँ पर सेम पोजीशन रहने वाली है, 51 से लेकर 55 या 51 से लेकर 55 के बीच यदि आप हैं तो सुरक्षित हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं अगली कैटेगरी का कट ऑफ। तो गाइज आप देख पा रहे हो हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आपकी क्या, EBC। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इसका कट ऑफ क्या रहेगा आपका 8/3/2020 का। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि मैंने ऐड कर रखा है आपका टाइम बचत हो, आप यदि मेल से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके कहीं 65 से लेकर 70 के बीच आ रहे हैं मार्क्स आपके, कब, आपके फर्स्ट शिफ्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो आपका स्कोर यहाँ पर इनाफ है, पर्याप्त है, आपका सिलेक्शन सेवली हो जाएगा इतने में। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं क्या आपकी सेकंड शिफ्ट का, तो दोस्तों यही हाल आपका सेकंड शिफ्ट का है, यहाँ पर थोड़ा मेरे को कमेंट्स में इंक्रीज मार्क्स दिखे। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर करीबन 66 से लेकर 71 के बीच लाते हैं, 66 से 71 के बीच, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल सेवली हो जाएगा, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। और बात कर लेते हैं फीमेल की, तो दोस्तों आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी EBC में आप आते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर मार्क्स लाना अनिवार्य कितने, 49 से लेकर 53 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो यह स्कोर आपका इनाफ है, आप बिल्कुल अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें। ओके, इसी प्रकार से आपका रहेगा सेकंड शिफ्ट का दोस्तों, 49 से लेकर 53 के बीच, यह स्कोर आपका सेव स्कोर है, गुड स्कोर है, आप ज्यादा की अपेक्षा न करें, आपका कट ऑफ इससे हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ आपका क्या EBC का, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी क्या, जो कि फीमेल के लिए स्पेशल WBC। तो दोस्तों यदि आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपका मार्क्स करीबन करीबन आना चाहिए कितना, 36 से लेकर 40 के बीच। जी हाँ दोस्तों, इतना मार्क्स आपका इनाफ है, आप टेंशन ना लें, यदि आपका 36 से 40 के अराउंड आ रहा है, 36 से लेकर 40 के बीच, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर सेवली होने वाला है। इसी प्रकार से आपका सेकंड शिफ्ट में रहेगा 36 से लेकर 40 के बीच। चलिए अब हम देख लेते हैं अगली कैटेगरी को। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं क्या आपकी नेक्स्ट कैटेगरी, जो की है EWS। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर से आपको यह देखने को मिलती होगी, और यहाँ पर आपका 10% आरक्षण रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं आपके EWS कैटेगरी की, यदि आप मेल से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके मार्क्स करीबन करीबन होने चाहिए कितने, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके मार्क्स होने चाहिए 51 से लेकर 57 के अराउंड। यदि आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो विश्वास मानिए, बिलीव मी, यू आर सेव एंड 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट फेज के लिए। आप बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि आपका, आप जैसे समझिए कि फिजिकल बहुत टाइट होने वाला है, वहां से आपके बिल्कुल 75% बच्चे लौट के आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है, क्योंकि आपके जो लास्ट ईयर में अभी तक एग्जाम हुए हैं, फिजिकल में बच्चे बहुत ज्यादा डिस्क्वालिफाइड होते हैं। अब बात कर लेते हैं सर अगली शिफ्ट का, आपकी सेकंड शिफ्ट क्या रहेगा कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें, सेकंड शिफ्ट में भी सेम पोजिशन रहने वाली है, जो कि आपकी फर्स्ट में है। इसी प्रकार से आप फीमेल का देख सकते हैं, फीमेल का भी दोस्तों यदि आपका 41 से लेकर 47 के बीच आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपका सेवली यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा 41 से लेकर 47 की अराउंड। यदि सेकंड शिफ्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यही आपका यहाँ पर हाल होने वाला है, यदि आपका 41 से लेकर 47 के बीच है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। तो हाँ जी डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी क्या, SC। जी हाँ दोस्तों, SC का यदि आप मेल हैं तो दोस्तों आपका समथिंग समथिंग होना चाहिए कितना, आपका 59 से लेकर 63 के अराउंड मार्क्स आना अनिवार्य है। यदि आपका इतना आ रहा है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर डेफिनेटली 101% होने वाला है, और यही आपका हाल होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। और दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल का, तो दोस्तों फीमेल में भी आपका करीबन 41 से लेकर 43 के अराउंड हो, यदि आपका 41 से लेकर 43 के बीच है तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर श्योर है, आप चिंतित ना हो, यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है, इतना स्कोर आपका गुड है, इनफ है। ओके, और यही हाल आपका सेकंड शिफ्ट में 41 से लेकर 43 के बीच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ST का।
तो हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एसटी कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें आपके एसटी कैटेगरी की, तो दोस्तों यदि आप मेल से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी क्या है एसटी, तो दोस्तों यदि आपने 8/3/2020 वाले एग्जाम में मार्क्स गेन किया है कितना, आपने यदि लाए हैं 54 से लेकर आपके 60 के बीच मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 54 से लेकर 60 के अराउंड यदि आपका मार्क्स आ रहा है तो सेवली आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना स्कोर इनाफ है। इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर में भी यदि आपका एसी के समथिंग मार्क्स आ रहा है 54 के से लेकर आपके 60 के बीच, तो आपके यहाँ पर बिल्कुल पूरा पूरा चांस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट आपकी फीमेल की, यदि 37 से लेकर आप 41 के बीच ला रहे हैं तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर 100% सिलेक्शन होने वाला है। आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन में लगे रहें। और आपका सेकंड चैप्टर में भी यही कंडीशन है 37 से लेकर 41 के बीच। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी कौन सी, बीसी। तो हाँ जी डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी, बीसी। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं और यदि आपने आपके एग्जाम 8/3/2020 को मार्क्स गेन किया है कितना, 70 से लेकर 73 के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लाए 70 से लेकर 73 के बीच, तो आप चिंतित ना हो, आप अपने अगले लेवल की तैयारी में लग जाएं बिल्कुल, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। बहुत से बच्चे वहां से आउट हो जाते हैं और आपका इतने में बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, तो आप इस चीज की टेंशन छोड़ दीजिए। और बात कर लेते हैं आपकी द्वितीय शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, तो यहाँ पर सेम आपके जे नंबर है, तो आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में भी दोस्तों यदि आप 50 से लेकर 53 के बीच नंबर लाए हैं तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगली शिफ्ट की, तो यहाँ पर जी पोजीशन आपकी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ बताया बारी बारी से आपकी हर एक कैटेगरी का, और आपने देखा है। और दोस्तों आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स बना हुआ है तो आप बेझिझक होकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जितना पॉसिबल हो सकता है रिप्लाई अवश्य देंगे। और एक बात, चूंकि यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो फ्रेंड्स आपको 1 से लेकर 2 नंबर का वेरिएशन आगे पीछे देखने को मिल जाएगा। यदि आपके मार्क्स थोड़े कम है 1-2 नंबर, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।